ये क्या तेरी मूँछे हैं अभी तेरी तो दाढ़ी आती है यार अरे इतने डार्क बाल शेविंग वेविंग नहीं करती है क्या अरे बहुत आसान होता है अरे तू वो वाली क्रीम लगा उसको लगाते ही चले जाते हैं अरे यार इन सब चक्करों में मत पड़ वो आटा आता है ना उसको मल उससे ठीक हो जाते हैं इतने मोटे मोटे जो बाल होते हैं ना सब निकल जाते हेलो मै वन वंडरफुल लेडीज हियर वेलकम बैक टू द चैनल आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं खुश हैं अपना ख्याल रख रहे हैं और अपनी बॉडी के लिए बहुत बहुत पॉजिटिव हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप जो सोचते हैं ना कि अरे वो फेशियल हेयर वो पिगमेंटेशन मार्क वो छोटा सा स्कार ये किसी को अफेक्ट करेगा तो बिल्कुल नहीं करेगा आपका कैरेक्टर आपका नॉलेज आपकी प्रेजेंटेशन ये शाइन थ्रू करता है ना जब तो इन सब चीज़ों पे तो नज़र भी नहीं जाती है यकीन मानिए आप किसी से मिलते हैं तो क्या याद करते हैं कि उसके चेहरे पे कितने बाल थे या फिर ये याद करते हैं कि आपने उसने आपको कैसे फील कराया या आपको कैसा फील हुआ उनके साथ रहकर सोचिए इस बारे में इसीलिए इन चीज़ों को ये जो एक्सटर्नल है इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए हम बात करते रहते हैं ना कोई ना कोई सोल्यूशन डेफिनेटली मिल जाएगा ज़्यादा इस पर मंथन करने की आवश्यकता नहीं है आज हम बात कर रहे हैं फेशियल हेयर के बारे में एक फीमेल की लाइफ में तीन समय ऐसे आते हैं जब हॉर्मोन्स का एक टॉर्नेडो हमारी बॉडी में आता है सबसे पहले है प्यूबर्टी जब यू नो वी बिकम सेक्शुअली मेच्योर दूसरा होता है प्रेगनेंसी और तीसरा होता है मेनोपॉज इन तीन समय हमारी बॉडी में देर इज अ रोलर कोस्टर राइड ऑफ हॉर्मोन्स और इस समय काफी सारे चेंजेस आते हैं विच इज वेरी गुड आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है हॉर्मोन्स के लिए दैट मीन्स यू आर परफेक्टली फाइन अगर हार्मोन्स के लिए आपकी बॉडी रिएक्ट ना करे तब टेंशन की बात है कि हॉर्मोन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेकिन लेट मी टेल यू वन मोर इम्पॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि डॉक्टर्स मेडिकेशन से भी आपके हार्मोन्स को ठीक नहीं कर सकता जाइए जाकर डॉक्टर से बात कीजिए आई चैलेंज यू इट्स इम्पॉसिबल टू फिक्स योर हॉर्मोन्स आपके हॉर्मोन्स को सिर्फ आप ही फिक्स कर सकते हैं स्ट्रेस ना लेके खुश रह के किसी भी तरह से अपनी बॉडी को काम एंड कॉम्पोज रख कर एंड यकीन मानिए अगर आप ये सब कर लेते हैं ना हॉर्मोन सही जगह पर रहेंगे और आपके शरीर में कोई परेशानी होगी ही नहीं आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग इट्स दैट ईजी बस काम एंड कॉम्पोज रहना है मैं एक सिंपल सा तरीका बताऊँ क्या होने वाला है रिजल्ट उसके बारे में मत सोचो सोचो ही मत एग्ज़ाम है ना बस पढ़ाई पे ध्यान दो यार अच्छे से एग्ज़ाम लिख के आओ बस रिज़ल्ट क्या होगा उसके बारे में स्टॉप थिंकिंग जैसा पढ़ोगे वैसा ही होगा ऑब्वियसली। तो प्लीज़ मेक श्योर कि कोई स्ट्रेस आप नहीं लोगे कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा और चेहरे पर कोई परेशानी नहीं होगी पर प्रेरणा अभी तो चेहरे पर है ना हम कुछ रहेंगे हम हार्मोन्स का ख्याल रखेंगे लेकिन अभी जो चेहरे पर है उसका क्या तो चलिए अब मैं आपके साथ कुछ विकल्प शेयर कर रही हूँ जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं हम सब एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर मैं और देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं सबसे पहला तरीका है प्लकिंग ट्विजर्स लीजिए प्लक कर लीजिए अगर एक दो हैं तो ज्यादा किसी झंझट में पड़िए ही मत मैं आपको बोल रही हूँ अगर ये वेलेस हेयर हैं वो पीची हेयर हैं सॉफ्ट वाले मैं सच्ची बता रही हूँ कुछ मत करो यार कुछ मत करो जस्ट लेट इट बी एंड अगर वो टर्मिनल हेयर आ गए मीजिश काले वाले लंबे लंबे जैसे कि मेरे यहाँ पे तो वो आप ट्वीज़र से हटा सकते हो एक दो हैं तो आराम से हटाओ डोंट फॉल फॉर एनीथिंग एल्स नंबर टू वैक्सीन बताया ना इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड अनदर साइड इफेक्ट स्किन सैग हो जाती है जो कहता है ना कि नहीं होती है फेशियल कराते रहो ये वो हो जाती है सैग नहीं कराना वैक्सिंग इज नॉट समथिंग दैट आई वुड प्रॉपरली थ्री शेविंग या फिर डॉमेट की भाषा में इसको डर्मा प्लानिंग कहा जाता है आप मेरी ये वाली वीडियो डेफिनेटली चेकआउट कीजिए जिसमें मैंने शेविंग करके दिखाई है आपको प्रॉपरली बताया है कि यू नो हाउ डू आई डू इट फॉर माई सेल्फ लेकिन इसकी कंटिन्यूएशन में इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने भी एक गलती करी क्या गलती आप बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि जब एप्लीकेशन आप कर रहे हो तो आपका ये पोर्शन रेड दिख रहा है आई टेल यू आई वॉज शेविंग माई फेस जबकि मैंने डर्माटोलॉजिस्ट से सीखा है कि कैसे यूज़ करना है फिर भी मैंने गलती से इस जगह पर रेजर लगा दिया और वो ऐसा मार्क यहाँ पर हुआ है कि इनर स्किन डैमेज हुई है तो अंदर से दिखता है वो कि अंदर कुछ रेडनेस है वो हील हो रहा है इट इज़ हीलिंग बाई इट सेल्फ बट प्लीज़ मेक श्योर कि जब तक आप ठीक से ना सीख जाएँ कॉन्फिडेंट ना हो जाए ना करें मैं तो इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ उसके बाद भी मैंने गलती कर दी सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसके लिए बहुत अलर्ट रहकर और ढंग से शेप करें नंबर फोर शुगरिंग भाई हमारे कॉलेज डेज में इसको कटोरा वैक्स कहा जाता था आज आई डोंट नो क्या नाम है आप बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में इट्स वेरी सिंपल वैक्स को लगाया जाता है आपके चेहरे पर ठंडा होने दिया जाता है और जब आप उसे हटाते हैं ठंडा होने के बाद तो वो फेशियल हेयर हटा देता है ये सबके लिए कारगर नहीं होता है लेकिन जिसके लिए है इट इज कंफर्टेबल एज कंपेयर टू दी अदर ऑप्शन जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं नंबर फाइव डेपलेट्री क्रीम्स लेकिन आई विल नॉट सजेस्ट दैट क्योंकि आपकी स्किन को बर्न कर देती है काला कर देती है कितने भी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और गोरे चिट्टे आपको बता दें कि भाई कुछ नहीं होता हमारी स्किन तो बहुत अच्छी है देस दैट स्किन डार्क हो जाती है जो फॉलिकल्स होते हैं वो डॉट 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 जैसे आपकी वो होती है ना स्ट्रॉबेरी स्किन वैसी दिखने लग जाती है आई एम नॉट वेरी नॉट अ वेरी गुड फैनफिट मैंने स्कूल टाइम पर इसको ट्राई किया था दिस इज़ द वर्स्ट ऑफ ऑल दैट आई एक्सपीरियंस दिस इज़ माई एक्सपीरियंस आई के नॉट से क्या पता है किसी को बहुत ही अच्छा शूट करता है वो इतना बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं सालों से गुड फॉर यू फॉर मी इट डिड नॉट वर्क एंड आई विल नॉट सजेस्ट एनीबडी टू डू दैट नंबर सेवन ब्लीचिंग कैमरा फ्रेज करना इज़ द बेस्ट थिंग अगर आपको ब्लीच करने के बाद आपकी स्किन और आपके बाल सेम टोन में आ जाते हैं तो वो वैसे ही नहीं दिखने तो दैट्स दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन लेकिन ब्लीचिंग के लिए ऑब्वियसली uh, कुछ हर कोई नहीं कंफर्टेबल होता है सेंसिटिव स्किन वाले तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं तो टेक अ पैच टेस्ट इफ़ यू आर कम्फर्टेबल अबाउट इट तो किसी और मेथड से दिस इज द सेफेस्ट और ज़्यादा पेन वेन भी नहीं होता है इजिली यू आर ओके विद योअर फेशियल हेयर नंबर एट प्रिस्क्रिप्शन क्रीम्स आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाइए वो आपको ऐसी क्रीम्स लिखते हैं जो बिना किसी हार्म के आपके स्किन uh, के टाइप के हिसाब से और भी बहुत सारे फैक्टर्स को चेक किया जाता है आपके जो फेशियल हेयर है वो अपने आप हट जाते हैं और आपको कोई परेशानी कोई दर्द वर्द कुछ नहीं होता है नंबर नाइन लेज़र हेयर रिमूवल अब आई नीड नॉट टेल यू आजकल तो इतना फेमस हो चुका है सिलॉन्स में पार्लर्स में डर्माटोलोजिस्ट के पास घर पर भी आप कर सकते हो लेज़र हेयर इज एक्चुअली लाइटनिंग मेथड जिसकी वजह से आप अपने हेयर फॉलिकल्स को कम्पलीटली डैमेज कर देते हो और वो बंद हो जाते हैं फॉर और आपकी स्किन काफ़ी स्मूथ हो जाती है क्योंकि हेयर कम्स आउट और वहाँ दोबारा हेयर ग्रोथ नहीं होती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ इलेक्ट्रॉलिस दिस इज द बेस्ट वे बहुत एक्सपेंसिव है डॉक्टर के पास जाकर ही करा सकते हैं बट ये परमानेंट रिमूवल हो जाता है आपके फेस से एंड यू आर हैप्पी एंड इट्स सेफ एंड डॉक्टर टेक्स सो मेनी प्रिकॉशंस आपको बता देते हैं कि ये करना है ये नहीं करना है एंड ऑल ऑफ दो थिंग्स थोड़े से साइड इफेक्ट्स हैं कि सोलन रहता है रेड रहता है फॉर सम टाइम बट ऑल यू और समबडी की जिसको बहुत परेशानी में हटाने ही हैं कोफरेट डॉक्टर डर्माटोलॉजिस्ट डूज डोन्स प्रोज कॉन्स सब कुछ समझिए एंड देन इट अब बात करते हैं उन विकल्पों की जो कि हम घर पर मौजूद सिंपल चीज़ों से घर के कंफर्ट में कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के लेकिन क्योंकि ये डू इट योर सेल्फ नेचुरल रेमेडीज हैं आप लोगों को इन्हें रेमेडीज की तरह रिपीटेडली ट्राई करना पड़ेगा एक एप्लीकेशन में शायद आपको रिजल्ट ना मिले शायद कोई एक मेथड सबके लिए सूटेबल ना हो आपको चेक करना पड़ेगा आपको कौन सा सूट कर रहा है और फिर रिपीटेडली उसको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको समझ में आ चुके हैं कि क्या इसको ध्यान में किन किन बातों को ध्यान में रखकर इसको ट्राई करना है अब शुरू करते हैं सबसे पहला तरीका और वो है एलम यानी कि फिटकरी का इस्तेमाल आप चाहें तो फिटकरी और हल्की सी हल्दी को गुलाब जल में मिलाकर और उसको अपने चेहरे पर लगा कर रहने दे सकते हैं जब वो सूख जाए तो रगड़ कर निकाल सकते हैं धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके हेयर फॉलिकल्स जो वहाँ के हैं वो कम हो रहे हैं और कुछ की ग्रोथ कंप्लीटली बंद भी हो सकती है जी हाँ ये काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है इस रेमेडी को आप हर दिन कर सकते हैं फॉर सम टाइम फिर ब्रेक ले लीजिए और फिर दोबारा से ट्राई कर लीजिए इस तरीके से आप इसको यूज़ डेफिनेटली कर सकते हैं दूसरा तरीका है जेलेटिन का इस्तेमाल जिसमें कि आप जेलिटिन और गरम दूध अच्छे से मिला लेंगे इसमें आप हल्का सा हल्दी और हनी भी ले लेंगे ताकि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको हम ओवरकम कर सकें अच्छे से मिला के अपनी स्किन पर लगाएंगे और सूखने देंगे जब ये हल्का सा सूख जाएगा तब आप इसको पील ऑफ कर देंगे जब आप इसको ग्रेजुअली ऑल्टरनेट डेज ट्राई कर सकते हैं आप देखेंगे आपके जो फेशियल हेयर हैं वो धीरे धीरे दिस इज़ काइंड ऑफ स्लो वैक्सिंग फॉर योर फेशियल हेयर और ग्रेजुअली आपकी जो फॉलिकल हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे और आपको बेटर रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे नंबर थ्री इज़ एग वाइट एंड नैपकिन ये तरीका मैंने अपने कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्राई किया है फॉर ब्लैक हेड्स एंड फॉर फेशियल हेयर इट्स अमेजिंग क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा पील ऑफ मास्क बनाता है आपको एग वाइट लेना है अपने पूरे चेहरे पर लगाना है और पतला सा टिश्यू पेपर अपनी स्किन पर लगाते जाना है जहाँ भी आपको व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स या फेशियल हेयर की परेशानी है और उसके ऊपर आप दोबारा से वाइ एग वाइट लगाएंगे फिर दोबारा से टिश्यू फिर एग वाइट एंड सोन ऐसी लेयर्स बना देंगे अप्रॉसिमेटली तीन से चार लेयर वुड बी सफिशियंट और इसको सूखने देंगे जब ये कम्पलीटली सूख जाएगा आप इसको पील ऑफ कर देंगे और आप देखेंगे एक चमकता हुआ चेहरा क्योंकि ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स फेशियल हेयर सब चले जाएंगे और ग्रेजुअली जब आप इसको वीकली या वीक में दो बार भी कर सकते हैं करते रहेंगे तो ये जो आपके फेशियल हेयर हैं ये काफी ज्यादा कम हो जाएंगे और काफी अच्छी सी स्मूथ एंड फ्लॉलेस स्किन आपकी हो जाएगी चौथा रेमिडी एक्शन आप अपने बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारी ममाज मुझे मेल करती हैं कि हमारे बच्चों के गाल पर शरीर पर बहुत छोटे छोटे से पीची हेयर हैं जिसके लिए वो काफी टेंस रहती है कि कहीं यू नो आगे चल के वो टर्मिनल हेयर ना बन जाए तो आप लोगों को बहुत ही टाइट एक डो गूंदना है आटा और उस आटे की लोई बनाकर आप अच्छे से उनकी बॉडी पर रब कर सकते हैं ये प्रक्रिया न्यू बेबी की जब मालिश होती है ना तब अगर की जाए तो उनके ये जो पीछे फज होते हैं ये उगते ही नहीं है उनका वो यू नो फॉलिकल बचपन में ही हट जाता है येस इट्स वेरी हेल्दी फॉर देम लेकिन अगर चलो तब नहीं किया तो आप करके देख लीजिए एक सेटिंग में डेफिनेटली नहीं होगा बहुत सारी मल्टीपल बार आपको करना पड़ेगा बट ग्रेजुअली आप देखेंगे कि वहाँ की जो हेयर फॉलिकल्स हैं जो बहुत ज्यादा थे वो कम हो रहे हैं और ग्रेजुअली गायब हो जाएंगे इस वीडियो का लास्ट डी आई वाई रेमेडी एलेक्शन वुड बी कॉर्न स्टार्च प्लस हनी इसमें आपको कॉन स्टार्च लेना है बहुत थोड़ा सा इसमें हनी मिलाना है और अपने चेहरे पर अच्छे से लगा देना है कुछ समय के पश्चात जब आपको लगे हल्का हल्का सूख रहा है सूखेगा नहीं पर हल्का हल्का लगे उसके बाद आप इसको रगड़ कर हटाएंगे कॉन स्टार्च आपकी स्किन पर मौजूद किसी भी परेशानी उसको भी एड्रेस कर रहा है और हनी स्मूथनेस बनाए रखता है ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो और आप देखेंगे कि जो आपके फेशियल हेयर है, हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो रहे हैं एक जने को सभी चीज़ें सूट करे ऐसा पॉसिबल नहीं है इसीलिए हिट एंड ट्रायल मेथड कीजिए इसके बारे में थोड़ा और पढ़िए अपनी स्किन के बारे में पढ़िए क्या चीज़ कंपेटेबल हो सकती है उसको जानिए और उसके बाद उसको फॉलो कीजिए रिलीजियसली हॉप नहीं करना है रेमिडीज में कि चलो आज ये ट्राई कर लो आज वो ट्राई कर लो रेमिडियल बेसिस पर किसी को परेशानी मानते हुए अगर आप कोई चीज़ फॉलो करते हैं तब आपको कंसिस्टेंट रहकर रिजल्ट मिलते हैं तो आशा करती हूँ कि मेरे पूरे परिवार को आज की प्रस्तुति समझ में आई होगी पसंद आई होगी अगर समझ में आई है तो नीचे लिखकर अवश्य बताइएगा पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा ऐसे और टॉपिक्स आप चाहते हैं कि मैं और विस्तार में बात करके आप लोगों के साथ शेयर करूं तो नीचे सजेशंस जरूर दीजिएगा आई वुड लव कि मैं उसके अराउंड आपके लिए कुछ क्यूरेट कर सकूं और अगली वीडियो में बहुत कमाल की चीज़ लेकर आ सकूं। मैं आप सभी से मिलती हूं अपनी अगली वीडियो में टिल देन टेक वेली गुड केयर ऑफ योर एंड नो फॉर श्योर आई लव यू जो फेशियल हेयर है वो अपने आप हट जाते हैं और आपको कोई परेशानी कोई दर्द वर्द कुछ नहीं होता है इट्स वेरी इजी एंड वेरी पेनफुल पेनलेस